اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم عليه। नाज़रीन मोहतरम, आप देख रहे हैं रहमान रमज़ान की स्पेशल अफ्तार ट्रांसमिशन, जिसमें आपका मेज़बान हाफिज़ मोहम्मद वसीम कादरी हाजिर खिदमत है। नाज़रीन मोहतरम, प्यारे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का फरमान आलीशान है कि जो शख्स मुझ पर रोज़ाना 100 बार दुरूद पाक पढ़ेगा, अल्लाह ताला उस पर 1000 रहमतें नाजिल फरमाएगा। सुबहानअल्लाह। नाज़रीन मोहतरम, यकीनन दुरूद पाक अफजल इबादत है। दुरूद पाक ऐसी इबादत है जो अल्लाह रब्बुल आलमीन की बारगाह में कबूल और मकबूल भी है। हम नमाज अदा करते हैं, हम ज़कात अदा करते हैं, हम हज अदा करते हैं, हत्ता कि हम हर नेक काम करते हैं। हम यकीन से ये नहीं कह सकते कि हमारा ये काम अल्लाह की बारगाह में कबूल है, नहीं, हम यकीन से कह ही नहीं सकते। पर नाज़रीन मोहतरम, यकीनन एक इबादत ऐसी है जो हम यकीन से कह सकते हैं कि अल्लाह की बारगाह में कबूल और मकबूल है, वो इबादत कोई और नहीं बस दुरूद पाक है। क्योंकि अल्लाह की हम जलवा गरी देख रहे हैं, अल्लाह की हम जलवा गरी देख रहे हैं, या हुस्नो जमाले मदनी देख रहे हैं। और जिस वक्त पढ़ो सल्ले अला आले मोहम्मद, समझो के रसूल अरबी देख रहे हैं। और जिस वक्त पढ़ो सल्ले अला आले मोहम्मद, समझो के रसूल अरबी देख रहे हैं। नाज़रीन मोहतरम, यकीनन रमज़ान मुबारक के ये पुरकैफ लम्हात, अज़मत वाले बरकत वाले लम्हात का फ़ायदा उठाते हुए मेरे हुजूर की बारगाह में कसरत से कसरत दुरूद पाक पढ़ने की सआदत हासिल कीजिए। अपने घर में बैठकर आका नामदार मदीने वाले मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बारगाह अक़दस में दुरूद पाक का नजराना पेश किया करें, खुद भी करें, दूसरों को भी इसकी दावत दें। तो नाज़रीन मोहतरम, यकीनन आज के हमारे इस खूबसूरत सेट पे खूबसूरत स्कॉलर, खूबसूरत सनाखान मौजूद है। इंशाल्लाह अपने मुकर्रर वक़्त पे हुजूर की बारगाह में वो अपनी हाजिरी पेश करेंगे। आज मेरा साथ दे रही हैं जी नाज़रीन, मैं आपका मेज़बान साहबज़ादा शाहिद फराज रमज़ान रहमान रॉयल न्यूज़ की लाइव ट्रांसमिशन में आपको खुश आमदीद कहता हूँ। जैसा कि आपको एक इल्म है कि रॉयल न्यूज़ की एक रीत रही है कि अच्छे अच्छे स्कॉलर, अच्छे अच्छे सनाखान आपकी खिदमत में पेश किया करते हैं। हज़रत अबू बकर सिद्दीक से एक रवायत मरवी है कि अबू बकर सिद्दीक फरमाते हैं कि दुरूद पाक की इतनी फजीलत है कि दुरूद पाक का कसरत से पढ़ना गुनाहों को इस तरह मिटा देता है कि इतनी जल्दी पानी भी आग को नहीं बुझा सकता। सुभान अल्लाह, बहुत ही प्यारी रवायत है। चार मिसरों का एक बहुत ही प्यारा कतर देना चाहता हूँ, उसके बाद हम अपने अजीम सनाखान मुस्तफ़ा जो बाबा बुल्ले शाह कसूर से तशरीफ लाए, सनाखान मुस्तफ़ा अहमद अली अंजम साहब हमारे दरमियान तशरीफ फरमाएं, आपकी खिदमत अक़दस में पेश करना चाहता हूँ। दौलत के नशे में न बसर वक़्त किया कर, इन उजड़े हुए लोगों से दुआएं भी लिया कर, ये हर रोज का हंसना तुझे बर्बाद न कर दे, ज़िक्र नबी में कभी रो भी लिया कर, ज़िक्र नबी में कभी रो भी लिया कर। मुल्तमिस हूँ सनाखानी की सआदत हासिल फरमाएं, शहर कसूर से तशरीफ फरमा अजीम सनाखान अहमद अली अंजम साहब, आप तशरीफ फरमा हो और सनाखानी की सआदत हासिल फरमाएं। कमाल है, कमाल है। जियो जियो, वाह 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 वाह, जियो जियो, एक यार दी सूरत, वाह वाह वाह। क्या कहना जी, माशाल्लाह, वाह वाह वाह, क्या कहने, कमाल है। एक
शबरी लिख देना काली रात अंधेरा अरे शाह कि आप नाथ गो भी हैं और नाथ खां भी हैं माशाल्लाह। बहुत प्यारा कलाम पर लिखा है, एक खूबसूरत शहर से ताल्लुक। इसी तसलसल को मैं आगे लेके जाना चाहता हूं, इसकी कभी भी चेन को टूटने नहीं दूंगा। हमारे दरमियान मियां चन्नू से तशरीफ फरमा, हमारे अहमद आजाद भाई तशरीफ फरमा हैं। बिला तखीर मुल्तमिस हूं कि आप सना खाने की सआदत हासिल फरमाएं। तेरा है नूर तेरा
बड़ी तेजी से जुदा हो रहा है। खुशबख्ती है हमारे स्टूडियो की कि आज हमारे दरमियान मंडी बहावलदीन के आलम इस्लाम के अजीम स्कॉलर प्रोफेसर जस्टिस पी सईद करमशाल अज़हरी अली रहमा भेरा शरीफ के फारगुल तहसील शुदा स्कॉलर सबजदा वाला शान अलामा हसन रजा रिजवी साहब हमारे दरमियान तशरीफ फरमाएं। बहुत ही खूबसूरत आपसे बातें होंगी नाजरीन। सबसे पहली बात, चूंकि रमज़ान और कुरान का चूली दामन का साथ है और रमज़ान और कुरान ये साथ साथ हैं, कसरत से रमज़ान में कुरान पढ़ने का हुक्म है, तो हजूर कुरान पाक की जो बरकतें हैं इस माह मुबारक में उन पर थोड़ी रोशनी डालें जी। सुभान अल्लाह। वाले से मैं हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक बड़ा फरमान आपके सामने, प्यारा खूबसूरत फरमान आपके सामने रखना चाहूंगा। हुजूर नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अदिबू औलादकुम अला सलासी खिसाल, अपनी औलाद को तीन चीजें सिखाओ। कौन कौन सी चीजें हैं? हुब्ब नबीकुम व हुब्ब अहले बैतिही व तिलावतुल कुरान व तिलावतुल कुरान। अब हुजूर का ये फरमाना कि अपनी औलाद को तीन चीजें सिखाओ, अपने नबी की मोहब्बत, अहले बैत की मोहब्बत और कुरान की तिलावत, तो इससे पता चलता है कि इसकी बरकत है, तो इसलिए हुजूर ने ये फरमान जारी फरमाया है। और इसी तरह जब भी कोई प्रोडक्ट मार्केट में आती है तो इसके साथ एक छोटा सा किताबचा होता है, उसके अंदर उसके फायदे नुकसान लिखे होते हैं, उसके इस्तेमाल का तरीका लिखा होता है। इसी तरह अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जब इंसान नामी मशीन को दुनिया में भेजा तो उसके साथ एक किताबचा भेजा, उस किताबचे का नाम है कुरान पाक। उस किताबचे के अंदर लिखा है कि इंसान ये काम करेगा तो इसको फायदा मिलेगा, ये काम करेगा तो इसको नुकसान मिलेगा। इसी तरह कुरान मुकद्दस में आगाज ही में अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमा रहा है कि ज़ालिकल किताबु ला रैबा फीह, कि ये ऐसी किताब है जिसमें किसी किस्म का शक व शुबा है ही नहीं। अब आप कोई भी किताब उठा के देख लें, आप इस्लामियात की किताब उठा के देख लें, उसमें शक की गुंजाइश मौजूद है।
आप फिजिक की किताब उठा के देख लें, उसमें शक की गुंजाइश मौजूद है। आप केमिस्ट्री की किताब, कोई भी किताब उठा के देख लें तो उसके अंदर, कोई भी किताब उठा के देख लें उसके अंदर शक की जो गुंजाइश है वो मौजूद है। लेकिन कुरान मुकद्दस एक ऐसी किताब है जिसके बारे में मालिक कायनात खुद गवाही दे रहा है कि ज़ालिकल किताब ला रैबा फीही, ये ऐसी किताब है जिसके अंदर शक व शुबा की गुंजाइश मौजूद है ही नहीं। और इसी तरह हुजूर नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में सवाल किया गया कि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, दुनिया में बड़े बड़े ढोंग रचाए जाते हैं कि वो बेहतर है, वो बेहतर है, वो खैर वाला है, वो खैर वाला है, तो आप हमें बताइए कि खैर वाला कौन है और खैर वाला बनने के लिए निशानी क्या है। तो हुजूर ने फरमाया उसके लिए सिंपल सी निशानी है, फरमाया खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमहू, फरमाया तुम में से बेहतर वो है जो कुरान खुद भी पढ़ता है, दूसरों को भी पढ़ाता है। और इसी तरह इसकी अहमियत और इसकी बरकत हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के इस अमल से भी साबित होती है कि हज़रत अली अल मुर्तज़ा शेर खुदा फरमाते हैं कि जब मेरा दिल करता मैं अपने रब से बातें करूँ तो मैं कुरान पढ़ लिया करता, मैं नमाज पढ़ लिया करता था। और फरमाते हैं कि जब मेरा दिल करता कि मेरा रब भी मेरे साथ बातें करे तो मैं कुरान उठा के उसकी तलावत कर लिया करता। जो स्टूडियो में अक्सर तशरीफ़ फरमा होती हैं, अरूज मुनीर साहिबा, मैं अरूज मुनीर साहिबा से शुरू करता हूं कि आप सरकार की बारगाह में विदा सारी फरमाएं। सुभान अल्लाह। दहलीज़े मोहम्मद पर दामन जो बिछाते हैं, दहलीज़े मोहम्मद पर दामन जो बिछाते हैं, हसनैन के नाना से खैरात वो पाते हैं, हसनैन के नाना से खैरात वो पाते हैं। लजपाल नबी मेरे, लजपाल मेरे आका, लजपाल नबी मेरे, लजपाल मेरे आका, हर एक से हर लम्हा, हर एक से हर लम्हा बस आप निभाते हैं, हर एक से हर लम्हा बस आप निभाते हैं। दहलीज़े मोहम्मद पर आंसू जो बहाते हैं, जब नजर करम कर दे अल्लाह के माही को, जब नजर करम कर दे अल्लाह के माही तो, फिर एक प्याला भी, फिर एक प्याला भी सत्तर को पिलाते हैं, फिर एक प्याला भी सत्तर को पिलाते हैं। दहलीज़े मोहम्मद पर आंसू जो बहाते हैं, रग रग में है उल्फत भी सरकार दो आलम की, रग रग में है उल्फत भी सरकार दो आलम की, महफिल में दीवाने तो, महफिल में दीवाने तो आकर ये बताते हैं, महफिल में दीवाने तो आकर ये बताते हैं। दहलीज़े मोहम्मद पर आंसू जो बहाते हैं, हसनैन के नाना से खैरात वो पाते हैं। अरूज मुनीर बहुत ही खूबसूरत अंदाज में हुज़ूर की बारगाह में अपनी हाजिरी पेश करने की साजिश हासिल कर रहे थे। मुंतज़िम मोहतरम हाफिज़ा काशिफ़ा हुज़ूर की बारगाह में अपनी हाजिरी पेश करने की साजिश हासिल कर रहे थे। किस्मत में मेरी
दर्द तो ठिकाना गे, जन्नत तो ठिकाना गे मगर मेरे लिए तकदीर मदीना लिख दे, ताजदारे हरम हो निभाए करम, ताजदारे हरम हो निभाए करम, हम गरीबों के दिल भी सवई जाएंगे, हम ये बेकसा क्या कहेगा जगाए जगा, हम ये बेकसा क्या कहेगा जगा, आपकी नई सिखाई अगर जाएंगे, ताजदारे हरम ताजदारे हरम, फरियाद लाए हैं हम हो निगाहे करम, वरना चौखट पे हम हो निगाहे करम, वरना चौखट पे हम आप लेके मई जाएंगे, ताजदारे हरम ताजदारे हरम, आपकी भी सिपाही न काली गला, आपकी भी सिपाही न काली गला, अपने दामन कब्र पर सवाली गया, ओ हबीबे हजी पर भी बे हजी पर भी आता नजर, वरना राय हस्ती बिखर जाएंगे, ताजदारे हरम ताजदारे हरम। बेखुद 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 किए देते हैं, बेखुद किए देते हैं, तुझे रख लो।
समरीन रमजान बहुत ही प्यारा कलाम रमजान मुबारक की बाबरकत सातों में बहुत ही प्यारा कलाम आपके नाजरीन की समातों की नजर कर रहे थे। मौलवी इस्लाम के अजीम स्कॉलर हमारे दरमियान तशरीफ फरमा है अलामा हसन रजा रिजवी साहब। हजूर लैलतुल कदर हजार महीनों से बेहतर है सुभान अल्लाह, और इसके फ्यूज व बरकात फरिश्ते नाजल होते हैं, कुछ रोशनी डालिएगा सुभान अल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, आपका ये भी सवाल भी शायद साहब बहुत खूबसूरत है, चूंकि रमजान मुबारक के इख्तितामी लम्हात हैं और आका करीम अलैहिस्सलाम का इरशाद ग्रामी है कि लैलतुल कद्र जो है ये हजार महीनों से अफजल रात है, और इसके अंदर अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमाता है कि मैं इतने फरिश्ते नाज़िल करता हूं कि जिनकी तादाद आसमान दुनिया में किसी को मालूम नहीं है, और फरमाया कि हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद ग्रामी है कि लैलतुल कद्र जो है इसको रमजान के आखिरी 10 दिनों में तलाश करो, आखिरी 10 दिनों से मुराद आखिरी 10 दिनों में जो ताक रातें हैं वो 21वीं रात भी हो सकती है, वो 23वीं भी हो सकती है, 25वीं भी हो सकती है, 27वीं भी हो सकती है और 29वीं भी हो सकती है। और जो बंदा ये रात पा लेता है अल्लाह रब्बुल इज्जत उसको इतना अजर अता फरमाता है कि जो इहाता कलाम में लाना मुमकिन नहीं होता। और हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक और मकाम पे फरमाना कि जो बंदा लैलतुल कद्र को पा लेता है तो उसके साबिका भी गुनाह माफ कर दिए जाते हैं, आइंदा जिंदगी के गुनाह भी माफ कर दिए जाते हैं, और फरमाया कि जो ताक रात के अंदर जाके अपने रब की बारगाह में अपने रब के हुजूर क्या कर लेता है और सुबह आगे फिर रोजा रखता है तो अल्लाह के प्यारे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया वो कल रोजे महशर उसके नामा आमाल में अगर कोई कमी रह गई तो उसका बेड़ा पार हो जाएगा। तो ये लैलतुल कद्र जो है ये बड़ी बरकतों वाली रात है, और शायद साहब और वसीम साहब ये हमारा अरमिया है कि हम समझते हैं कि सिर्फ 27वीं रात ही लैलतुल कद्र की रात है, इसमें कोई शक नहीं कि हमारे अकाबरीन ने इसका निचोड़ निकाला और मोस्टली जो है वो 27वीं रात है, लेकिन हुजूर के फरमान से पता चलता है कि वो आखिरी 10 रातों में कोई रात भी हो सकती है, कोई ताक रात भी हो सकती है। उसका मकसद भी लैलतुल कद्र की तलाश, माशाल्लाह माशाल्लाह, और हमारे जो नौजवान नस्ल है उसको पैगाम देना चाहूंगा कि लैलतुल कद्र एक ऐसी रात है जो हमें अगर मिल जाती है तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ना सिर्फ साबिका बल्कि आने वाली जिंदगी के भी गुनाह माफ फरमा देता है। नाज़रीन हमारे दरमियान बहुत ही खूबसूरत शख्सियत फरमाए, खसूस में खसूस बेरा शरीफ के फरगुल तहसील हमारे दरमियान अलामा ज़ियाल मुस्तफ़ा तमर साहब आप तशरीफ फरमा है। बहुत ज्यादा फायदा उठाना चाहता हूँ, इकबाल ने कहा था कि वो जमाना में मुअज़्ज़ज़ थे मुसलमान होकर, आज हम जलील व ख़ार हुए तार के कुरान होकर। अलामा साहब मैं पूछना यह चाहता हूँ कि कुरान से दूरी के असबाब और नुकसान जो मुआशे में हो रहे हैं, वो जो इकबाल का शेर था आज से सदियों पहले आपने कहा था उसी की तफसीर में थोड़ी माशाल्लाह। आपका ये खुशी प्रोग्राम रहमान रमजान, इसकी तमाम टीम का शुक्रिया अदा करता हूं, वसीम भाई का और शायद भाई आपका बहुत ज्यादा मशहूर हूं। ये कुरान पाक एक ऐसी किताब है और रमजान मुबारक कुरान के खास ताल्लुक है, रमजान मुबारक और कुरान का ये खास ताल्लुक जो है इसको साथ लेते हुए हम चलेंगे। जैसा कि आपने बड़ा खूबसूरत शेर पढ़ा है, मुअज्जिज़ से जमाने में मुसलमान होकर हम ख़ार हुए तारीख़े कुरान होकर, और यही अल्लामा मोहम्मद इकबाल रहमतुल्लाह ताला ने आपके सवाल का जवाब बता दिया है, और हम जब से कुरान से हुए तब से लेकर ये तारीखियां ये जवाब जिल्लतें हमें उठानी पड़ रही हैं, और आज जमाने में मुसलमान मुअज्जिज़ नहीं रहा जो कुरान से दूरी की वजह है। जब मुसलमान कुरान से रहनुमाई हासिल करते थे, कुरान से नूर लेते थे, कुरान से रहनुमाई लेकर अपनी जिंदगी को संवारने के काम करते थे, तो कुरान वो किताब है जो सबसे अफजल वाला किताब है। हर दौर में अंबिया को अल्लाह ने किताब दी, भाई इसी से तौरात, ज़बूर, इंजील और मुख्तलिफ सहाबा पढ़े रहे, लेकिन शायद
कुरान पाक का ये मकाम और मर्तबा है, ये शान है कि हुजूर सरवर कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाज़िल हुई और न सिर्फ इलाके के लिए बल्कि पूरी दुनिया के लोगों के लिए ये हिदायत कुरान पाक का नाज़िल हुआ। और जितनी ये आपकी और बड़ी किताब है इतना ही इसका नूर ज्यादा है, इससे जितना ना करीब ज्यादा है उसको ये फैजान देते हैं और उसके लिए हिदायत उतना ही सामान पैदा करती है। और जो जितना दूर चला जाता है वो कुरान से पूरी की वजह से अल्लाह रब्बुल आलमीन से दूर हो जाता है, और जो अल्लाह और अल्लाह के रसूल से। जी 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 इरशाद है, बता दें युदिल्लु बिही कसीरुन व यहदी बिही कसीरा, कितना नुकसान होता होगा। बरकतें कुरान से दूरी हम सब के लिए नुकसानदेह हैं। जितनी कुरान से हम दूरी करेंगे उतनी हमें अजियत और नुकसान मिलेगा, और जितना हम कुरान के करीब जाएंगे, बुजुर्ग फरमाते हैं कुरान से इश्क करें, कुरान से मोहब्बत करें। अगर आप कुरान से बातें करेंगे कुरान आपसे बातें करेगा। अगर आप कुरान से इश्क के साथ पढ़ेंगे ना, इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह ताला अलैह हनफियों के इमाम अल्हम्दुलिल्लाह रमजान मुबारक में 61 कुरान पाक मुकम्मल करते थे। अल्लाह अकबर, वो अल्लाह के वली थे, हम भी अल्लाह के वली बन सकते हैं अगर हम कुरान से मोहब्बत कर लें, कुरान से इश्क कर लें जिस तरह वो कुरान पढ़ते थे। अल्लाह हमें भी उस तरह कुरान पढ़ने की तौफीक अता फरमाए। तो नाज़रीन मोहतरम अपना मुहासबा करें कि हमने कितने कुरान पाक रमजान मुबारक में खत्म किए हैं। ना जाने कुछ ऐसे लोग भी हैं जिन्होंने अभी तक कुरान नहीं खोला होगा, यकीनन उनको नुकसान भी बहुत ज्यादा होती होंगे, उनको तकलीफें भी बहुत ज्यादा आती होगी। आज हमारा आपके लिए सबक है, आज हमारे लामा साहब ने जो खूबसूरत अंदाज में कुरान पाक की बरकतें हमारे नाज़रीन को उस बरकतों से आगाह किया, हमें इनका फायदा उठाना चाहिए। हमें यकीनन कुरान पाक की तलावत कसरत से पढ़नी चाहिए, कुरान पाक से रहनुमाई लेनी चाहिए, कुरान पाक से फैज हासिल करना चाहिए। बुजुर्गों की निस्बत में बैठकर, बुजुर्गों की सोहबत में बैठकर हमें कुरान पढ़ने की तौफीक अता, अल्लाह हमें सबको तौफीक अता फरमाए। नाज़रीन मोहतरम यकीनन हमारे साथ एक और स्कॉलर हजरत अलामा हाफिज मोहम्मद उमर नईमी साहब मौजूद है, इन्हीं की जानिब बढ़ते हैं। अलामा साहब, बंदे को अल्लाह की नसीहतें, खुदा बंदे को क्या नसीहतें फरमाता है, इसके मुतालिक जरा रोशनी फरमाए। अल्लाह रब्बुल आलमीन इंसान पैदा फरमाया और इसी इंसान को जिंदगी गुजारने के लिए, जिंदगी के उसूल और ज़वाबत सिखाने के लिए रब ताला ने आसमानी किताबें भेजी और आसमानी अपनी मखलूक भी भेजी। उनके जरिए अल्लाह ताला ने मखलूक में से चुनिंदा चुनिंदा लोगों को मुंतखब करके नबूवत के लिए, रिसालत के लिए खास फरमा कर किसी को नबी बना दिया, किसी को रसूल बना दिया। वही नबी और वही रसूल जब अल्लाह ताला ने उनको इस मकाम से नवाजा तो वो अल्लाह की मखलूक के हिदायत के लिए सर चश्मा बन कर उभरे। तो जब ये इंसान दुनिया में आने लगा तो एक जमाना ये आलम दुनिया है, इससे पहले एक जमाने से वो गुजर कर आ चुका हुआ है जहाँ पर उसने अपने रब से कुछ वादे और कुछ वही करके आया हुआ था, जहाँ पर रब ने कहा था कि क्या मैं तुम्हारा रब नहीं हूँ। वहां पर इंसान कहता है याद क्यों नहीं, वही तो हमारा रब है। इसी इंसान को जब दुनिया में भेजना था तो अल्लाह ताला ने कुछ वसीयतें, कुछ बातें बताई कि यार मेरे बंदे जब तक तू मेरे पास रहा मेरी बातें मानता रहा, जब तक तू मेरे पास रहा तू सांस लेता रहा जैसे मैं चाहता रहा, अब तू मुझे छोड़कर एक और जहां में जा रहा है,
तू दुनिया में जा रहा है, अब दुनिया में जाना है तो दुनिया में कुछ मेरी बातें ले जा, अपनी मर्जी से जिंदगी गुजार। जब बंदा दुनिया में आता है, अपनी होश संभालता है, बचपन से लड़कपन की तरफ आता है, तो फिर कुरान उससे खिताब फरमाता है, कुरान वो बयान उसको रब का वो फरमान सुनाता है जो पहले दुनिया में रहकर अपने रब से कर रहा हुआ था। आज इस दुनिया की रंगीनियों में वो इंसान अपने रब का वो फरमान, रब का वो वादा, वो रब की बातें भूल गया। जब बोला तो कुरान ने कहा इंसान किधर घूम रहा है, तो किधर भटक गया, अपने रब का फरमान को सुन। तो वहां पर रब की जो नसीहतें हैं वो कुरान अपने इंसान को अपने रब की तरफ मिलाने के लिए दोबारा से याद करवाता है। तो कुरान कहता है या अय्युहल्लज़ीना लीना आमनु तक़ुल्लाह व क़ूलू क़ौलन सदीदा, कि इंसान जब तू मेरे पास था, मेरे पास रहता था, मेरे पास था, तो मेरी रजा के मुताबिक कैसे भी जिंदगी वो गुजारने के मरहले थे, वो मराहल तूने गुजारे। अब जब दुनिया में जाना है तो वहां पर जाके अपनी मर्जी से नहीं, कुछ मेरी बातें ले लो, उस बातों पर अमल करोगे तो तुम्हारी दुनिया भी सुनहरी हो जाएगी और आखिरत भी रोशन हो जाएगी। तो दुनिया में जाकर क्या क्या करना, या अय्युहल्लज़ीना आमनु तक़ुल्लाह व क़ूलू क़ौलन सदीदा, ऐ ईमान वालों पहला काम तुमने अल्लाह से डरना है, और दूसरा जब भी मेरी किसी भी मखलूक के साथ बात करनी है क़ूलू क़ौलन सदीदा, सीधी सच्ची साफ सुथरी बात करना। हुज़ूर पीर ज़ियाउल उम्मत पीर करम शाह अज़हरी आपके अदारा से भेरा शरीफ से फारगुल तहसील दो फूल हमारे दरमियान तशरीफ फरमाए, आलम इस्लाम के अजीम स्कॉलर अलामा हसन रजा रिजवी साहब मंडी बहावलदीन से तशरीफ फरमा हुए, अलामा ज़ियाल मुस्तफ़ा कमर साहब आप भी मंडी बहावलदीन बेरा से तशरीफ फरमा हुए। नाज़रीन बहुत ही बाबरकत साथे हैं, और इस वक्त एक वक्त था जब हजूर मदीना की गलियां थी, मक्का की 1400 साल पहले कुरान पढ़ने सुनने की क्या कैफियत थी जब मेरे सरकार तशरीफ फरमा होते थे, अब्दुल्ला बिन मसूद कुरान पढ़ने वाले होते थे, सुभान अल्लाह। आज 1400 साल बाद कुरान आज भी शफा है, सुभान अल्लाह। उस वक्त भी शफा था, उस वक्त भी नूर था, आज भी नूर है। तो हुजूर कुरान एक शिफा है, सुभान अल्लाह, इस पर थोड़ी रोशनी डालिएगा, सुभान अल्लाह। जी बहुत प्यारा सवाल आपने किया है, और कुरान से बड़ी कोई शिफा हो ही नहीं सकती। कुरान तो वो कलाम है जो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने बराहे रास्त हर बीमारी शिफा और बीमारी सुदूर के अल्फाज कुरान पाक में आते हैं। ये तो दिलों की बीमारियों को धो देने वाला और शिफा देने वाला कुरान है। ये वो कलाम है जिसकी आयात बढ़ता जाता है, जाहिरी बीमारियां दूर हो जाती हैं, बातनी बीमारियां दूर हो जाती हैं। जाहिरी बीमारी पर मैं हदीस मुबारक पेश करना चाहूंगा। हजरत अबू सईद खुदरी रज़ियल्लाहु तआला अब फरमाते हैं कि हम कुछ दोस्त थे, कुछ साथी हम एक इलाके में गए, किसी देहात में गए, वहां पर जाकर हमें पता चला कि यहाँ पर हमें पड़ाव करना है, तो उन लोगों को बस्ती वालों को कहा कि हमें रहने का इंतजाम किया जाए, खाने पीने का भी इंतजाम हमारे लिए किया जाए। और जब हमने ये उनसे मुतालबा किया तो उन्होंने कहा हम तो आपको ना रहने की जगह देंगे ना खाने पीने का कोई इंतजाम करेंगे। तो फिर उन्होंने क्या किया, अपना इंतजाम खुद किया, पड़ाव पड़ाव कर दिया। कुछ देर बाद पता चला उस बस्ती का एक वडेरा एक सरदार जो है वो बीमार हो गया, किसी ने किसी जानवर ने उस पर डस दिया है, उसको जब किसी मुसी जानवर ने डसा तो उन्होंने अपने टोटके लगाने की कोशिश की थी, और तमाम टोटके लगाने के बाद जब नाकाम हो गए तो पता चला उनको अंदाजा हुआ कि इस बस्ती में अल्लाह वाले मौजूद हैं, हम उनसे जाकर रुजू करते हैं। जब अल्लाह वालों ने रुजू किया तो पता चला कि उनमें एक ऐसे शख्स भी मौजूद है जिनका नाम अबू सईद खुदरी है। तो उनके पास आए सारे लोगों को आकर कहा कि आप ही इलाज कर लीजिए। शाही जब उनके पास ये मुतालबा लेकर ये बीमारी उसको अपने सरदार को लेकर आए तो उन्होंने कहा कि ठीक है हम दम करेंगे, लेकिन हमारी एक डिमांड है। उन्होंने कहा क्या डिमांड है, कहा तुम लोगों ने हमारी इज्जत नहीं की, अब तुम्हें ही जरूरत है तो हम आपसे मुआवजा लेंगे, फिर हम दम ऐसा करेंगे उनको शिफा मिल जाएगी। तो उन्होंने कहा कि आप जो मांगेंगे हम लेंगे। 30 बकरियों का मुतालबा किया उन्होंने, जिस किसी को मुतालबा किया उन्होंने कहा हम देंगे आप बस दम कर दें। उन्होंने
प्याला। नाज़रीन मोहतरम, यकीनन कुरान पाक से अल्लाह रब्बुल आलमीन शिफा अता फरमाता है। कुरान पाक की कोई भी आयत पढ़ के दम करिए तो यकीनन शिफा मिलती है। कुरान पाक है ही शिफा। हमारे जो मजबूत स्कॉलर है अल्लामा हाफिज मोहम्मद उमर नेमी साहब, इन्हीं की जानिब बढ़ते हैं। कुरान में या अय्युहल्लज़ीन आमनू और या अय्युहन्नास बयान करने की क्या वजह, इसके बारे में रोशनी फरमाएं। जितनी भी मखलूक है इंसानी मखलूक, उसमें से अल्लाह ताला ने दो ग्रोहों को खास करके उनका नाम रख दिया। एक का नाम या अय्युहन नास रख दिया और दूसरे का नाम या अय्युहल लज़ीना आमनू। अब सोचना समझना ये है कि अन्नास अफजल हैं या आमनू वाले अफजल हैं। हाँ तो दोनों ही मखलूक अल्लाह की, दोनों ही अल्लाह की पैदा करता है, लेकिन अन्नास जो है या अय्युहन नास, इससे मुराद तमाम रूही इंसानियत है। इंसानियत में यहूदी भी आ जाते हैं, जितने भी गैर मुस्लिम के कास्ट है तमाम के तमाम अन्नास में आ जाती हैं। अब जब अन्नास में इंसान रहा तो उसमें वो मुशरिक भी रहा, वो मुर्तद भी रहा, वो अल्लाह का दुश्मन भी रहा, वो अल्लाह का बागी भी रहा। लेकिन जब इन तमाम अन्नास में जब तक था, दुनिया में था, तो वो जिल्लत की ज़िंदगी गुजार कर गया। जब दुनिया से गया तो इस हालत में गया कि इंसानियत भी उसके इबरतनाक अंजाम से शर्मा गई। किसी को जब वो मरा, किसी को गिद्दों ने आकर नोच के खा लिया, किसी को आग ने जला दिया, किसी को दरिंदों ने फाड़ कर रख दिया, लेकिन जब अल्लाह ताला की रहमत जोश में आई तो रब ताला ने अपनी नजर रहमत अपनी इंसानी मखलूक की तरफ जब घुमाई तो इन्हीं अन्नास में से कुछ लोगों को खास करके उनके दिलों में ईमान की दौलत को डाल दिया, उनके दिलों में ईमान के रोशनी को जला डाला। जब उनके दिलों में वो खास लोग, खुश नसीब लोग जिनके दिलों में अल्लाह ताला ने ईमान की रोशनी डाली थी, तो उनको उनसे खास करके उनसे निकाल कर रब ताला ने अल्लज़ीना आमनू का खिताब उन्हें फरमा दिया कि या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए ईमान वालों, जब तक तुम इंसानों में थे, जब तक तुम्हारा शुमार इंसानों में होता था, उस वक्त तुम दरिंदों के आगे डाल दिए जाते थे, तुम आग में जलाए जाते थे, तुम परिंदों के चील कव्वों के सामने डालकर तुम्हें वो नोच नोच कर ले जाया करते थे। लेकिन जब तुम अल्लज़ीना आमनू अहले ईमान में शामिल हो गए, ईमान वाले बन गए, अब जो तुम्हारा आखिरी अंजाम होगा, तुम्हारा सफर आखरत होगा, तुम्हें गिद्धों के सामने नहीं डाला जाएगा। की साथे बिल्कुल करीब हैं और ये कबूलियत का वक्त होता है वसीम भाई, जब अफ्तार का वक्त करीब होता है तो उस वक्त कबूलियत का वक्त भी इंतहाई करीब होता है। उस वक्त मैं अक्सर ये कहा करता हूँ कि पुरतकल्लुफ का लफ्ज इस्लाम में बिल्कुल पसंद नहीं किया जाता, मगर सहर अफ्तार कोई ऐसी चीजें हैं जिसमें पुरतकल्लुफ मेरे आका ने उसको पसंद फरमाया कि अफ्तारी भी अहतमाम से की जाए और सहरी का भी। जी सुभान अल्लाह, बाकी तमाम खानों के अंदर हिसाब होगा और सहरी और इफ्तारी। सुभान अल्लाह, माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत बड़ा टिप दिया हमारे माशाल्लाह हसन रजा रिजवी साहब ने। इनको फिर इंशाल्लाह बुलाएंगे, वक्त बड़ा शॉर्ट है। जियो तो शान के साथ, मरे तो ईमान के साथ। इसी दुआ के साथ हमारे तमाम मेहमानों को, वसीम भाई को, सरदार शाहिद प्रत को जल्द दीजिए। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।